नमस्कार दोस्तों, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। ब्रिक्स नेशंस ने, जिसमें इंडिया समेत 9 बड़े देश शामिल हैं, रिफ्यूज कर दिया टू साइन यूक्रेन पीस डिक्लेरेशन, और इसी के साथ ये घटना वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट साबित हुई, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो यूक्रेन 91 कंट्रीज को एक साथ ला पाया ताकि कोई पीस वार्ता को अंजाम लाया जाए। लेकिन जब इंडिया जैसे मेजर इकोनॉमिक एंड सॉफ्ट पावर्स इस डिक्लेरेशन को साइन नहीं करते, तो वर्ल्ड मीडिया की सुर्खियां बन जाती है कि देखिए, ब्रिक्स नेशंस जो रशिया के पार्टनर हैं ने रिफ्यूज कर दिया टू साइन यूक्रेन पीस समिट डिक्लेरेशन, सऊदी अरबिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका ऑप्ट आउट ऑफ यूक्रेन डिक्लेरेशन। तो हम बात करेंगे ये डिक्लेरेशन क्या है जो स्विस पीस समिट के दौरान लाया गया था, और इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक देश जो हमेशा से ही डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात करते हैं, पीस को प्रायोरिटी देते हैं, चाहे फिर कश्मीर जैसा हॉट इश्यू ही क्यों ना हो जिसकी वजह से आज इंडिया आतंकवाद का शिकार बनता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान के साथ डायलॉग की ही बात करते हैं। तो ऐसे देशों के द्वारा डिक्लेरेशन को साइन न करके वेस्ट को क्या मैसेज जाता है, रशिया इसे किस जो है पर्सपेक्टिव से देखता है, और ये एक ग्लोबल एम्बैरेसमेंट कैसे बना। तो 24 फरवरी 2022 को रशिया ने इन्वेड करना स्टार्ट किया यूक्रेन को, और तब से लेकर आज तक ये कॉन्फ्लिक्ट अपने 843वें दिन में इंटर कर चुका है। लेकिन दोनों साइड से कोई भी पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन को तो वेस्ट का और अमेरिका का फुल सपोर्ट है, जबकि रशिया अपने आप में समर्थ है। हजारों की संख्या में यूक्रेनियन एंड रशियन सोल्जर्स मारे गए हैं। एसेट्स एंड प्रॉपर्टी या फिर ह्यूमैनिटी की बात करें, उसका नुकसान कितना हुआ है ये अनकाउंटेबल है। जब 24 फरवरी 2022 को ये युद्ध स्टार्ट हुआ, उसी हफ्ते 27 फरवरी 2022 को यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने एग्री किया टू पीस टॉक्स विद रशिया, और इसी कड़ी में 28 फरवरी को दोनों देशों के बीच हाई लेवल्स की टॉक हुई इन बेलारूस। बेलारूस यहाँ पे बिचौलिए का काम करता दिखाई दिया। रशिया यूक्रेन होल्ड पीस टॉक्स इन बेलारूस, लेकिन इन पीस टॉक्स का, इन मीटिंग्स का कोई परिणाम हमारे सामने नहीं आया। फिर मार्च महीने में, मार्च के अंत में तुर्की सामने आता है, और तुर्की ने दोनों देशों को ऑफर किया कि हमारे देश में आइए, टेबल पे बैठिए, जो भी आपके मसले हैं वो बातचीत और डिप्लोमेसी डायलॉग के जरिए सुलझाइए, हम यहाँ पे पीस टॉक्स को होस्ट करने के लिए जो है तैयार हैं। तो खबर आती है, द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर गुड न्यूज, रशिया यूक्रेन पीस टॉक्स प्रेस ऑन इन तुर्की, लेकिन रशिया ने यहाँ पे मना कर दिया कि हम तुर्की नहीं जाएंगे। फिर ऐसे ही तुर्की यहाँ पे लगातार दोनों के संपर्क में रहा। मई महीने में भी तुर्की ने अगेन ऑफर किया कि वो इन पीस टॉक्स को होस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बार भी रशिया पीछे हट जाता है। और ऐसे ही 2023 की शुरुआत में ही 16 जनवरी को खबर आती है कि एर्दोगन ने कहा है, तुर्की इज रेडी टू फैसिलिटेट पीस टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, लेकिन यहां पर भी जो है पीस टॉक्स नहीं हो पाती है। तो आप देखिए, जब से ये युद्ध हुआ है स्टार्ट, तब से पीस टॉक्स की बातें हमेशा होती रही हैं, और इसी कड़ी में फिर चाइना पीछे कहाँ हटने वाला था, उसने देखा कि बेलारूस यहाँ पे जो है समझौता करवाने में नाकामयाब रहा है, तुर्की भी नाकामयाब रहा है, तो हो सकता है चाइना यहाँ पे एक बिचौलिया बन के उभरे, एक मिडिल मैन के रूप में यहाँ पे पीस टॉक्स को करवाए। तो चाइना एंड बेलारूस एक्सप्रेस एक्सट्रीम इंटरेस्ट इन यूक्रेन पीस, मार्च 2023। और फिर चाइना ने 12 पॉइंट का एक पीस प्लान प्रपोज किया जिसे यूक्रेन जो है रिजेक्ट कर देता है, मना कर देता है। और ऐसे ही इंडोनेशिया भी इसमें कूद जाता है। इंडोनेशिया ने प्रपोज किया डिमिलिटराइज जोन, और इसके साथ इन्होंने कहा कि यूक्रेन में रेफरेंडम होना चाहिए। जिन एरियाज को रशिया के द्वारा इन्वेड कर लिया गया है वहां पे रेफरेंडम होना चाहिए, और उन एरियाज में जहां रशियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं उनके यहाँ भी जो है प्लेबिसाइट होना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो रशिया के साथ जाना चाहते हैं या फिर यूक्रेन के साथ। तो इस वाले प्लान को भी जो है कीव ने रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया, और कहा कि हमारी जो पोजिशन है वो रहने वाली है, और हम इस युद्ध को 10 साल तक भी चला सकते हैं। तो इंडोनेशिया के द्वारा प्रपोज इस प्लान को भी यूक्रेन जो है रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद इस जो है युद्ध में कह सकते हैं कूद जाता है हबीबी, यानी कि सऊदी अरबिया, यूक्रेन रशिया पीस टॉक्स, सऊदी अरबिया बना बिचौलिया। इस पे मैंने एक डेडिकेटेड जो है सेशन किया था,
यहाँ पे इंडिया और रशिया ने भी पीस टॉक्स को अटेंड किया था, लेकिन बड़ी बात यह थी कि इसमें पुतिन को बुलाया ही नहीं गया। इस पूरे पीस टॉक्स से, इस पूरे इवेंट से रशिया को बाहर रखा गया। सऊदी अरबिया टू होस्ट यूक्रेन पीस टॉक्स एज पार्ट ऑफ वेस्टर्न एफर्ट्स टू वू ग्लोबल साउथ। अब बड़ी बात यह है कि रशिया इसमें पार्टिसिपेट करने ही नहीं आया, जबकि रशिया को लेकर ही ये पीस टॉक्स होने वाली थी। अब हमने क्या देखा कि चाइना ने इसमें को जो है अटेंड किया है, इसके अलावा इंडिया भी यहाँ पे अटेंड करने गए हैं। इंडिया की तरफ से हम बात कर सकते हैं, जो अजीत डोभाल हमारे NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो अपने डेलीगेट्स को लेके इन पीस टॉक्स में पार्टिसिपेट करने गए थे, लेकिन रशिया को लेफ्ट आउट कर दिया। रशिया लेफ्ट आउट ऑफ दिस सऊदी पीस टॉक्स ऑन यूक्रेन। रशिया ने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम लोग जो है फॉलो करेंगे कि आप वहां पे बैठ के क्या डिस्कशन करने वाले हो, हमारे बारे में जो है क्या बुरी बुरी बातें आप यहाँ पे करने वाले हो। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये जो रशिया सऊदी अरबिया में पीस टॉक्स हुई थी, ये 5 से लेकर 6 अगस्त के बीच में हुई थी, और यहाँ पे बड़े बड़े देशों के जो लीडर्स हुए यहाँ पे गए थे। और ये जो पीस प्लान था, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के द्वारा दिया गया था। ये 10 पॉइंट का एक पीस प्लान था, जो जिसके ऊपर आज भी यूक्रेन अड़ा हुआ है, और इसी वजह से रशिया इन पीस पॉइंट्स को नहीं मानता। इनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो रशिया कभी भी मानने को तैयार नहीं होगा, जैसे कि जो कब्जा हुआ क्षेत्र है उसको वापिस से छोड़ना और रशियन ट्रूप्स का वापिस हटना। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं उनको रशिया आई थिंक कभी भी नहीं मानेगा। अब जो फ्रेश डिक्लेरेशन हुआ है, फ्रेश जो पीस सबमिट हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। ये तो हमने देखा कि जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तब से लेकर कैसे इस पूरे प्रकरण को शांत करने की कोशिश की जा रही है दूसरे देशों के द्वारा भी, क्योंकि पूरा विश्व एक तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका है, सभी के इंटरेस्ट इसमें शामिल है। क्योंकि एक तरीके से जहां जहां आपके बायलेटरल या फिर म्यूचुअल रिलेशंस हैं, तो आप स्टेक होल्डर के रूप में काम करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं शांति की यहाँ पे जरूरी आवश्यकता होगी, तो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना यार, एक बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो नाउ 15 से 16 जून के बीच में अगेन एक समिट हुआ है, पीस समिट इन यूक्रेन और ऑन यूक्रेन, ये स्विट्जरलैंड में हुआ है। अब स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल कंट्री की तरह देखा गया है, और कई बार दो देशों के बीच में झगड़े को शांत करने के लिए स्विट्जरलैंड को जाना जाता है, तो इसीलिए वेस्टर्न देशों ने यहाँ पे स्विट्जरलैंड को चुना और यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए। टोटल 90 कंट्रीज यहाँ पे इकट्ठा हुई थी, जिनमें से 79 कंट्रीज ने इस डिक्लेरेशन पे साइन किया है, यानी कि लास्ट में जो डिक्लेरेशन आया है ये कई पॉइंट्स का है। इसमें ज्यादातर यूक्रेन के द्वारा या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा रशिया को थ्रेटन किया गया है, रशिया को यहाँ पे धमकाया गया है, यदि आप इस डिक्लेरेशन को या फिर इस पीस समिट को नहीं, पीस प्लान को नहीं मानोगे तो आपके ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस लगाए जाएंगे, आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक तरीके से ये पीस वार्ता कम, धमकाना या फिर सैंक्शंस लगाना ज्यादा दिख रहा था, ठीक है। और यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने बताया कि उन्होंने 160 हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट को यहाँ पे इनविटेशन भेजा था, जिनमें से 57 ने एग्री कर लिया कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे बात आती है, कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को यहाँ पे भेजा, जैसे कि साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, इंडोनेशिया है, एंड दूसरे भी देश यहाँ पे शामिल है। बड़ी बात यहाँ पे सामने ये क्या लिखते हैं कि इंडिया ने अपने एक जूनियर मिनिस्टर को यहाँ पे भेजा, जूनियर डिप्लोमेट को यहाँ पे भेजा, एंड चाइना ने यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया टू पार्टिसिपेट, इवन पाकिस्तान ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया। तो हमने क्या देखा, चाइना ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया, इसके अलावा इंडिया ने पार्टिसिपेट तो जरूर किया, लेकिन अपने एक जूनियर डिप्लोमेट को यहाँ पे भेज के एक बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाया है, एक हम कह सकते हैं बड़ा ही टैक्टिकल और डिप्लोमेटिक मूव इंडिया ने चला है। वेस्ट को भी हमने साथ लिया और रशिया के साथ भी हमारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे बने रहेंगे। अब चूंकि यहाँ पे लग रहा है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल इस डिक्लेरेशन में किया है वो इंडिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, इंडिया ने डिस्टेंस कर लिया इटसेल्फ फ्रॉम दी स्विस यूक्रेन पीस समिट स्टेटमेंट्स। जो ज्वाइंट कम्युनिक आता है, ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है, वो भी इंडिया ने यहाँ पे नहीं दिया है। इंडिया की तरफ से आप देखोगे तो जो प्रवीण कपूर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने कहा इन अवर व्यू ओनली दोज ऑप्शंस एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज कैन लीड टू बी अबाइडिंग पीस, द फॉर्मर एम्बेसडर टू मॉस्को टोल्ड स्मिट। और ये मॉस्को में पहले यानी कि रशिया में पहले हमारे एम्बेसडर के तौर पर काम कर चुके हैं।
और यहाँ पे रिफ्यूज करने वाले देशों में बड़े नाम आप देख पाओगे, भारत है, आर्मेनिया है, ब्राजील है, सऊदी अरबिया, स्लोवाकिया, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, वो हस्ताक्षर इन्होंने जो है नहीं किए हैं। बाकी जिन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं वो यहाँ पे आप देख पाओगे, यूरोपियन यूनियन के कुछ देश हैं और अमेरिकन और कुछ लैटिन अमेरिकन देश भी हैं। लेकिन बावजूद इसके इन देशों में भी जो है हमको डिवीजन देखने को मिल रहा है। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने कहा कि रशिया को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि पीस स्थापित हो। अरे भाई, जब आप उनको बुला ही नहीं रहे हो जिनके साथ हम हमें पीस करनी है, उनको तो टेबल पे बुलाया ही नहीं, तो फिर पीस होगी कहां से। और ऐसे ही आप देखो फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन है, उन्होंने कहा पीस कैन नॉट बी यूक्रेनियन कैपिटुलेशन, मीन्स जो संघर्ष है यूक्रेन की तरफ से ही, या समर्पण संघर्ष यूक्रेन की तरफ से ही नहीं होगा। एंड सऊदी अरबिया ने कहा कि देखिए, जब तक रशिया इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, इसकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है और हम भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसे ही जो मेलोनी है, जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है पुतिन के सीज फायर प्रपोजल को, क्योंकि ये जब समिट चल रहा था उससे 2 दिन पहले या फिर 1 दिन पहले ही पुतिन ने अपनी तरफ से जो है एक पीस प्लान यहाँ पे प्रपोज किया था। और उसमें दो बड़ी बातें थी कि जो एरिया रशिया ने कब्जा लिया है उसको ये छोड़ने वाले नहीं है। इसके अलावा जो यूक्रेन है वो नाटो का पार्ट न बनेगा, यानी कि यूक्रेन यहाँ पे लिख के देगा रशिया को कि वो नाटो को कभी ज्वाइन नहीं करेगा। तो अब हालांकि जाहिर सी बात है, इन दोनों बातों को कभी भी वेस्ट या फिर यूक्रेन एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो इस पूरे डिक्लेरेशन को देखकर, इस यहाँ पे जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको देखकर, पुतिन का कहना है स्विस होस्टेड पीस समिट ऑन यूक्रेन डूम्ड टू बी डेमोगोगिक टॉक एंड एक्विजिशन अगेंस्ट रशिया एंड मोर एंड मोर ग्लोबल साउथ नेशंस आर रिजेक्टिंग द फार्स दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस विदाउट रशिया पार्टिसिपेशन। तो इस मैप में आप जो नेशंस ब्लू कलर में देख पा रहे हो, इन्होंने इस डिक्लेरेशन को साइन किया है। एशिया में भी आप देखोगे तो बहुत सारे बड़े देश हैं, क्योंकि तो चाइना की बात करें तो वो तो इसमें पार्टिसिपेट करने ही नहीं गा, रशिया भी पार्टिसिपेट करने नहीं गा, तो ये तो दो बड़े देश हो जाएंगे। इसके अलावा इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह, ठीक है, आर्मेनिया, ये सब देश हैं। और आसियान नेशंस में भी बड़े देशों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐसे ही आप देखोगे तो ग्लोबल साउथ में जो साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बड़े देश नहीं गए, ऐसे ही लैटिन अमेरिका में भी ब्राजील जैसे देशों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, वेनेजुएला भी है, कोलंबिया भी है। ठीक है, तो ऐसे में फिर इस पूरे समिट की क्या महत्वता रह जाती है। यहाँ पे खुद ये जो यूरोपियन देश हैं वे बटे हुए नजर आ रहे हैं। स्विस समिट डिवाइड्स, न्यूट्रलिटी अंडर फायर अमाइड यूक्रेन कॉन्फ्रेंस, और ये कौन लिख रहा है, स्विस इंफॉर्मेशन डॉट, जो इनका ही एक सरकारी मीडिया, वो लिख रहा है। स्विस राइट विंग लीडर्स कॉल यूक्रेन समिट एन एम्बैरेसमेंट, रिटर्स का ये आर्टिकल आप देख पाओगे। तो यहाँ पे इंडिया के इस मूव से रशिया बिल्कुल खुश होगा और इंडिया को थैंक करेगा। खैर, वेस्ट की अगर हम बात करें तो साध